नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है वो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, टाइपिंग भी कंप्लीट हो चुका है। बच्चों का अब काफ़ी ज़्यादा वेट है उनके रिजल्ट्स का। लेवल 6 का रिजल्ट तो आ गया है, लेकिन लेवल 5 का रिजल्ट कब आएगा, क्या होगा इसका कट ऑफ, ये सब कुछ सबके मन में काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है और काफ़ी ज़्यादा एक टेंशन भी है मन में कि कितनी रैंकिंग होगी, कितना ज़्यादा कट ऑफ हाई होगा, है ना, क्या सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके मन में आ रही हैं। कुछ मैं समझता हूँ कि ये सारी जो ये स्थिति जो है आपके मन में वो काफ़ी ही ज़्यादा है और इस वजह से निराशा भी रहती है क्योंकि कुछ श्योर नहीं होता। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें जान करके आपके मन में श्योरिटी आ सकती है और आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करा सकते हो, और वो है रैंक आईक्यू की डाटा। देखिए, रैंक आईक्यू की जो डाटा है उसकी वजह से आप ये चेकआउट कर सकते हो कि आपकी ओवरऑल रैंकिंग क्या आ रही है, और अगर आपकी ठीक ठाक रैंकिंग आ रही है तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि रैंक आईक्यू पे जो डाटा दिए गए हैं वो क्योंकि वो फॉल्स नहीं हो सकते। पहली बात तो ये है, फॉल्स क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि रैंक आईक्यू पे जो डाटा दी जाती है वो आपके आंसर की के जो रिस्पॉन्स होते हैं उसके लिंक को लेकर के लिया जाता है, मतलब इसे मैनुअली फिल तो नहीं किया जाता। तो पहली बात तो यह है कि ये फॉल्स नहीं है। हाँ, यहाँ पर ये देखा जाता है कि क्या जितने कैंडिडेट आपके जोन से बिलोंग करते हैं क्या सभी ने रैंक आईक्यू पे अपना डेटा शेयर किया है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम स्टूडेंट जिनके नंबर अच्छे होते हैं वो अपना डाटा शेयर करते ही हैं और अपनी रैंकिंग के बारे में उनको ज़्यादा थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होती है तो वो ढूंढते भी हैं। इस वजह से जो टॉप रैंकर्स हैं जिनके रैंकिंग अच्छी है उन्होंने अपनी रैंक आईक्यू पे डाटा जरूर शेयर किया है। मोस्ट प्रोबेबली जो कैंडिडेट थोड़े से कम अवेयर्ड हैं इसके बारे में, जिनको नहीं पता है, ऐसे भी कुछ स्टूडेंट होंगे जिन्होंने रैंक आईक्यू पे डाटा नहीं शेयर किया होगा। तो पहला काम आपका यह है कि रैंक आईक्यू पे अगर आपने अभी तक डाटा शेयर नहीं किया है, आपको नहीं पता था इसके बारे में, तो पहले जाइए अपना आईक्यू चेक करिए, यहाँ पे रैंक आपका चेक करिए अपने डाटा को शेयर करके। दूसरी बात, जिनको पता नहीं है आपके सर्कल में जो भी स्टूडेंट है, चाहे किसी भी जोन से बिलोंग करते हो किसी भी आरआरबी से, उनको भी बोलिए कि वो भी जाके चेक करें। और ऐसा करने से इस पे काफ़ी ज़्यादा जो एक्यूरेसी होगी वो मेंटेन हो पाएगी। तो ये सारे काम आपको करने हैं। और फिलहाल आज सिकंदराबाद के जोन के आप सभी बच्चों को मैं बताना चाहूँगा कि आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके रैंक के ऊपर बताऊंगा कि आपकी कितनी रैंक जो है ना वो आ रही होगी इस रैंक आईक्यू में, तो आप जो है अपने आप को ये मान सकते हो कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, इसके अलावा चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि रेलवे से रिलेटेड जो भी अपडेट होंगी या फिर कोई भी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स होती है वो हमेशा लेकर के मैं यहाँ पर आता हूँ, तो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ यहाँ पर आती हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे वो उसमें आपका ही फायदा होगा, बिकॉज कि नंबर ऑफ मोर कैंडिडेट यहाँ पे जा आएंगे वो अपना रैंक आईक्यू में डाटा शेयर करेंगे और इससे आपकी एक्यूरेट रैंकिंग जो होगी वो पता चल पाएगी। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं और सीधे बताता हूँ मैं आपको इस वीडियो में कि क्या रहने वाली है आज आपकी जो रैंकिंग और कितना नंबर आपका होना चाहिए जिसकी वजह से आप क्लियर कर पाएंगे। देखिए, सिकंदराबाद जोन की बात करें तो लेवल 6 का जो है वो रिजल्ट आ गया है। ठीक है, और ऐसे में आपने देखा है कि रिजल्ट जो आया है उसमें 1:1 में बच्चों को बुलाया गया, दैट मीन्स कि जितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं उतने ही कैंडिडेट बुलाए गए हैं। और यहाँ पर जो सबसे खास बात यह है कि रिपीटेशन हुए हैं ना, वो रिपीटेशन कहाँ पे हो रहे हैं मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि किस तरीके से रिपीटेशन हो रहे हैं, मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो कोई भी घबराने की बिल्कुल जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो देखिए, वैकेंसी की बात करें तो यूआर में 343 वैकेंसी है कुल, स्टेशन मास्टर और कमर्शियल क्लर्क मिलाकर के। एससी में 124 है, 65 एसटी में है, 226 ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में 84, और इस तरीके से कुल जो लेवल 6 की वैकेंसीज है यहाँ पर 842 है। अब यहाँ पे रिपीटेशन की हम बात करते हैं। देखिए, रिपीटेशन का क्या मतलब है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो लेवल 6 में क्वालिफाई तो कर गए हैं, अब इनका जो रोल नंबर है, जो लेवल 5 का रिजल्ट आया था सीबीटी एसटी के लिए, सीबीटी एसटी यानी कंप्यूटर टेस्ट जो आपने दिया है उसमें भी ये सारे कैंडिडेट शामिल थे जो यहाँ पर क्वालिफाई किए हुए हैं। और जो मैं चेक करता हूँ ना, आपको मैं बता दूँ, आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ क्या रिस्पॉन्स आता है, पहले आप वो देख लीजिए।
तो आप इसे देखें, यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि ये जो मैंने ओपन किया है ये सिकंदराबाद बोर्ड का पे लेवल 6 का जो रिजल्ट है, जिसमें डीवी के लिए बुलाया गया था, ये फिलहाल में जो रिजल्ट आया है ये उसी की फाइल है ना। इसमें आप देख सकते हो कि अप्रेंटिस कमर्शियल अप्रेंटिस की नंबर एक ही वैकेंसी थी और यहाँ पे एक कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है, बाकी स्टेशन मास्टर में नंबर ऑफ इतनी सारी वैकेंसीज थी। तो ये सारे के सारी लिस्ट है और इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर टोटल जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है 841 और एक कुल मिलाकर 842 है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कटअप भी काफी ज्यादा गई थी कैंडिडेट की, 98 गई थी कमर्शियल अप्रेंटिस की। इसके अलावा स्टेशन मास्टर में आप देख सकते हो यूआर की 75 गई थी, है ना, एक तरीके से हाई कटअप इसे बोला ही जाएगा। एससी की 67, एसटी की 68, ओबीसी की 73 और ईडब्ल्यूएस का 72। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कटअप जो है वो हाई गया है यहाँ का, ठीक है। तो बट ये जो हाई कटअप जाने का मेन रीजन क्या है कि जो भी रैंकर्स स्टूडेंट हैं जिनके काफी ज्यादा नंबर्स हैं लेवल CBT 2 में और इसके अलावा साइको में भी वो क्वालिफाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वैसे ही ये पूरे के पूरे 800 जो कैंडिडेट हैं वही तो हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है यहाँ पर, जिनके नंबर अच्छे थे, और ये कैंडिडेट लेवल 5 में भी शामिल हैं। और आपको मैं दिखाऊंगा कि ये कैसे, देखिए ये जो मैंने PDF ओपन किया है ये सिकंदराबाद का है, स्किल टेस्ट के लिए जो आपको बुलाया गया था लेवल 5 में, ये उसकी लिस्ट है, आप ये देख सकते हो। अब प्रैक्टिकल क्या है यहाँ पर, ये देखिए आप, ये जो रोल नंबर है ना, आप इस रोल नंबर को नोट डाउन करिए, इसमें क्या लिखा है, 28/11/91/12/086, ठीक है। इसको पहले लिखते हैं यहाँ पर 28/11/91 और 12/086, इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी आपको पता चलेगा कि क्या वो रोल नंबर मिल रहा है, 91 फिर 12/086, इसके बाद यहाँ पे जो आगे नंबर था 7989, ठीक है, इसको आप देख लीजिए 7989। तो आपने देखा ये मैच किया ना, इसका मतलब जो लेवल 6 में जो कैंडिडेट क्वालिफाई था उसका रोल नंबर लेवल 5 में भी है, दैट मीन्स वो ज्यादा जो नंबर वाला जो कैंडिडेट था वो तो अभी लेवल 6 को ज्वाइन कर लेगा, अब तो उसके पास लेवल 5 में आने का कोई चांस भी नहीं है। ये की चांस है कि अगर वो अपने लेवल 6 के पोस्ट को ज्वाइन नहीं करता है और वो ऑलरेडी मेडिकल में भी नहीं जाता है, डीवी में भी नहीं जाता है, तो यहाँ पे आ सकता है, बट ऐसा बहुत कम होगा, ऐसा कोई क्यों करेगा लेवल 6 की जॉब छोड़ के लेवल 5 में जाएगा। दूसरा रोल नंबर आप चेक करो, देखो इसमें भी 28/11/91/12 के बाद 0 है, ये मैच कर रहा है, 96/91/34, इसको आप लिखो, यहाँ पे 0 तक ठीक था, 96/91/34, आप देखो कम्प्लीटली मैच कर रहा है ना। दूसरा नंबर लगातार मैं चेक कर रहा हूँ, आप ऐसा नहीं कि अलग अलग से, देखिए इसको भी चेक करो आप, 28/11/91 और यहाँ तक मैच कर रहा है एक तक, इसके बाद 30/99/87/58, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 30/99, इसके बाद 87 और फिर 58, ठीक है, ये था ये रोल नंबर, देखो लगातार मैच कर रहा है। आपको कोई 100% भी अगर बोला जाए ना, अब दूसरे कुछ मान लो मैं कहीं बीच से लेके आता हूँ, देखो ये रोल नंबर मैं बीच से उठाता हूँ, इसका क्या रोल नंबर है, 28/11/92, ठीक है, 28/11/92/12, ये लिखो आप यहाँ पे, ये लिखो 28/11/92, ये था ना, अभी फिर से देख लेते हैं कहाँ पे मैं लिख रहा था, 28/11/92, ये था 28/11/92, फिर 12/088, 12/088 बानवे के बाद था 12/088 और उसके बाद आप देख लीजिए 12/088 हो गया, फिर 5/9/09, ठीक है, 5/9/09, देख रहे हो, मतलब 100% डाटा मिल रहा है, 100% डाटा मिल रहा है। आप ये समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं लेवल 6 में जो 800 जो कैंडिडेट, 842 जो कैंडिडेट सिलेक्टेड है ना, वो सभी के सभी लेवल 5 में अवेलेबल हैं, फिर भी मैं 80% यहाँ पे लेके चलूंगा, क्यों, क्योंकि देखो मैंने सारा डाटा चेक नहीं किया है, एक आध दो कैंडिडेट इधर उधर, या फिर कुछ रैंकर्स स्टूडेंट जो क्या साइको टेस्ट में क्वालिफाई नहीं किए होंगे, ठीक है, उनको भी कंसिडर करना पड़ेगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो रैंक आईक्यू में अपना लिस्ट नहीं दिए होंगे, तो कहीं ना कहीं इस वजह से, मतलब इसमें क्वालिफाई तो है, जैसे मतलब 343 में तो है, लेकिन रैंक आईक्यू में इन्होंने मान लो अपना नहीं डाला होगा, तो उन चीजों को मिनिमाइज करने के लिए मैंने यहाँ पर 80% ही लिया है कि यहाँ से 80% स्टूडेंट है जो लेवल 5 में भी है,
ठीक है, और आपके रैंकिंग में भी आएंगे, ठीक है, इस वजह से। तो देखिए इस तरीके से अगर हम 80% यहाँ पे लेके चलते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यूआर में 274 स्टूडेंट होंगे, एससी में 99, एसटी में 52, 180 ओबीसी में 67 होंगे ईडब्ल्यूएस से, और ये सारे कैंडिडेट जो है रिपीट कर रहे होंगे। अब बात करते हैं लेवल 5 की। तो देखिए लेवल 5 में ये वैकेंसीज हैं आपके सिकंदराबाद जोन में, और कुल मिलाकर के 1235 यहाँ पर टोटल पोस्ट है। कट ऑफ जो थी सिकंदराबाद की काफी मतलब मॉडरेट बोल सकते हो, मतलब हाई ही बोल सकते हो, क्योंकि काफी ज्यादा दूसरे जोनों में देखा जाए तो 80 के अब भी कट ऑफ गई है, तो मॉडरेट एक बोल सकते हो यहाँ पर सिकंदराबाद की, जो कि 73 यूआर की गई है, 61 एससी की, 53 एसटी की, ओबीसी की 70 और ईडब्ल्यूएस के 64। तो ये सारे कट ऑफ रहे थे। अब हमें ये देखना है कि इन नंबरों से, क्योंकि आपके नंबर इनसे अधिक थे तभी आपका जो है वो सीबीटी एसटी में आपका नाम आया था, है ना, टैपिंग टेस्ट के लिए, तो इनसे कितने नंबर आपके अधिक हैं ये, तो आपकी रैंकिंग बनेगी, ठीक है, और उस रैंकिंग में आपका कितना रैंक आ रहा है तो आप क्वालिफाई कर सकते हो। देखिए यहाँ पर अगर हम लेवल 5 में देखें टाइपिंग पोस्ट की, तो यूआर कैटेगरी में 88 और नॉन टाइपिंग में 546। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हर एक कैटेगरी में लेवल 5 में टाइपिंग पोस्ट बहुत ही कम है, तो जाहिर सी बात है टाइपिंग पोस्ट के लिए आपकी रैंकिंग थोड़ी सी ज्यादा मतलब कम होनी चाहिए एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि रैंकिंग जितनी कम होगी यानी कि आपका नंबर उतना ही अच्छा है, ठीक है, ये होता है। और अगर वहीं हम नॉन टाइपिंग की बात करें तो यहाँ पे काफी ज्यादा पोस्ट हैं और 10 टाइम्स लगभग स्टूडेंट बुलाए भी गए हैं, तो ऐसे में यहाँ पर जो है आपकी कट ऑफ कम जाएगी, बिल्कुल नंबर से एक आध दो नंबर बढ़ सकते हैं, ये भी संभावना है, ठीक है। तो अब रैंकिंग की अगर हम बात करते हैं तो वो रैंकिंग क्या होनी चाहिए, देखिए अगर हम टाइपिंग पोस्ट और नॉन टाइपिंग कुल मिलाकर के देखें तो यहाँ पर 634 यूआर की पोस्ट है। दैट मीन्स कि अगर आप मान लो रैंकिंग चेक करते हो और आपकी जो रैंक है वो 634 या इससे कम आती है, ठीक है, 634 या इससे कम आती है, इसका मतलब यह है कि आपसे आगे कितने बच्चे हैं। मान लो आपकी रैंकिंग आती है 600, ठीक है, इसका मतलब है कि 599 कैंडिडेट हैं जो आपसे आगे चल रहे हैं, जिनके नंबर आपसे अधिक है ना। तो अगर कॉल किया जाएगा तो आपको भी बुलाया जाएगा, क्यों, क्योंकि उनको तो 634 चाहिए और आपकी रैंकिंग तो 600 ही है। तो पहली बात तो यह है कि आप अगर इस पॉइंट पर हो, आपकी रैंकिंग में ये जो ओरिजिनल यहाँ पे वैकेंसी है उतनी आपकी रैंकिंग आती है एक्यूरेट, तो कहीं ना कहीं आप 100% श्योर कर सकते हो कि आपका नंबर चांस बना हुआ है और 100% आपको यहाँ पर सिलेक्शन होगा। अब ये डिसाइड कैसे होगा कि आपका टाइपिंग पोस्ट में होगा कि नॉन टाइपिंग पोस्ट में होगा, देखो अगर आप टाइपिंग क्लियर कर रहे हो, टाइपिंग तो आपने दिया और आपको पता भी होगा कि आपकी टाइपिंग अच्छी गई है या नहीं गई है, तो टाइपिंग अगर अच्छी है और आपने अच्छा किया भी है और प्रियोरिटी में भी नॉन टाइपिंग पोस्ट को आपने फर्स्ट प्रियोरिटी पे ही रखा है, तो इस वजह से आपकी टाइपिंग में मिल जाएगा। अगर आपकी टाइपिंग अच्छी नहीं गई है और भले ही प्रियोरिटी आपकी फर्स्ट में टाइपिंग ही है तो आपका फिर भी नहीं होने वाला और इस वजह से आपको नॉन टाइपिंग पोस्ट मिलेगा, लेकिन ज्यादातर चांस है कि आपको नॉन टैपिंग ही मिलेगा, क्योंकि वैकेंसीज भी यहाँ पे ज्यादा है और कम यहाँ पे कट ऑफ जाएगी, जिसकी वजह से आपके अगर कट ऑफ से एक दो नंबर तीन नंबर भी ज्यादा है तो भी आप अपने आप को सिक्योर मान सकते हो, ठीक है, और बहुत अच्छे नंबर है तो कोई बात नहीं, आपका नॉन टैपिंग पे तो हो ही जाएगा, बस रैंकिंग आपका ये ध्यान रखना है कि इनके अंदर होनी चाहिए। अब वो कैंडिडेट जिनके रैंकिंग इन नंबरों से अधिक है उनका क्या चांस बनता है, देखिए ऐसे कैंडिडेट जिनके रैंकिंग इनसे अधिक है, मान लो किसी की 700 रैंकिंग आ गई है ना यूआर की, देखो मैं सिर्फ यूआर की ही बता रहा हूँ, आप सब ये मत समझना कि ये सबका बता नहीं रहा हूँ, देखो वैसे ही है, सबके बारे में अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करो। तो मान लो आपकी 700 रैंकिंग गई यूआर की, है ना, या फिर 800, चलो मैं दूसरा कैटेगरी ले लेता हूँ, मान लो मैंने एसटी का ले लिया यहाँ पे, ठीक है, अभी मैं एसटी का लेता हूँ, देखिए 120 के अंदर में है तो आप तो 100% श्योर हो, लेकिन अगर मान लेते हैं कि 120 में से आपकी रैंकिंग अधिक आ रही है, आपकी रैंकिंग मान लीजिए 150 आ गई, है ना, 150 रैंकिंग आ गई, तो क्या आपका सिलेक्शन होगा, तो देखिए ये भी होगा, क्यों, क्योंकि मैंने जो रिपीटेड स्टूडेंट को बताए थे कि 52 जो कैंडिडेट हैं जो कि 80% थे, मैंने आपको बताया, जबकि आपने देखा 100% आ रहे हैं, बट मैंने 80% ही लिया, क्यों, क्योंकि हो सकता है जो टोटल जो स्टूडेंट थे उनमें से कुछ ने अपने रैंक आईक्यू में नंबर ही नहीं डाले होंगे, ऐसे में सिर्फ मैं 80% को लेकर चल रहा हूँ, ऐसे 52 स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने रैंक आईक्यू में अपना नंबर डाला होगा, और इस वजह से अगर इन 52 की वजह से जो है आपकी रैंकिंग बढ़ रही होगी, जिनके नंबर आपसे अधिक हैं वही तो लेवल 6 में क्वालिफाई कर रहे हैं, तो इस वजह से ये रैंकिंग अगर आपके आपसे 172 तक भी जाती है ना तो भी आप सिलेक्टेड माने जाएंगे, है ना, 172 या इसके अंदर में आपकी रैंकिंग है तो
आप 99% अपने आप को मान सकते हो कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो यहाँ पर हो जाएगा। अब इसमें आपकी अगर इससे बहुत कम है, जैसे 120 के नीचे है, तो आपको नॉन टाइपिंग पोस्ट भी मिल सकती है। लेकिन अगर 120 से ऊपर आपकी रैंकिंग आ रही है, तो आप जो है वो टाइपिंग पोस्ट में, अगर आपका अच्छा गया है टाइपिंग, तो भी आपके यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब कुछ स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि आपने जो है नॉन टाइपिंग में जो फेल हो रहे हैं उनको तो कंसिडर नहीं किया। भाई जो फेल हो रहे हैं वो अगर उनकी नंबर अच्छे हैं तो टाइपिंग पोस्ट में तो हो जाएगा ना उनका, तो फिर किस लिए मैं उनको कंसिडर करूं? जो फेल हो रहे हैं उनको मैं क्यों कंसिडर करूं? जो फेल हो जाएंगे उनका तो सिलेक्शन ही नहीं होगा पहली बात तो, और अगर उनके नंबर कम है तो बिल्कुल ही नहीं होगा। नंबर अच्छे हैं तो टाइपिंग पोस्ट, नॉन टाइपिंग पोस्ट उनको मिल जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारी बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए आपको। ठीक है, तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जो चीजें है ना आपको समझ में आ रही है कि आपकी जो ओवरऑल रैंकिंग है ना वो ये भी है, ये रैंकिंग अगर आपके अपने अपने कैटेगरीज में है, और ये रही ओवरऑल रैंकिंग। ठीक है, कैटेगरी वाइज ये रैंकिंग है और ये रही ओवरऑल रैंकिंग, और इसमें आपका आता है तो आप अपने आप को मानिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप मेडिकल और डीवी की प्रिपरेशन करिए। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि ये जो चीजें हैं मेरे द्वारा जो प्रोडक्ट की हैं वो 100% सही हो, और आपका जो मोटिवेशन है वो हाई रहे, और आप अच्छे से आगे की चीजों को में प्रिपेयर्ड हो सके। बाकी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रैंक का भी जो डाटा है बिल्कुल ही यूनिक है, और उसमें किसी भी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं है। जो वहां पे पॉसिबिलिटीज होती है नंबर ऑफ स्टूडेंट कम रहने की, उसको मैंने मिनिमाइज ऑलरेडी कर दिया है। तो आप बस ध्यान रखिए कि इतनी रैंकिंग में आपके आ रहे हैं तो 100% श्योर। बाकी इसे थोड़े बहुत ज्यादा भी हैं तो भी आप एक उम्मीद, अगर आपका लक सही बैठता है तो डेफिनेटली यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।